कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट का नरेंद्र शर्मा की फिजिक्स क्लास में मोस्ट वेलकम है। आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक को आगे लेके चलूंगा और टॉपिक है मेरा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एज ए डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द करंट इन ए सर्किट और पोजीशन ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसका मतलब हुआ कि हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू, एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट की पोजीशन को बता सकते हैं कि करंट इसमें है या नहीं है। उसके बाद इसके द्वारा हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं। तो अब करंट को मेजर करते हैं इसके थ्रू, तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में, आप नए टॉपिक में आते हैं, तो इसमें हम गैल्वेनोमीटर को चेंज करना चाहते हैं अमीटर में और वोल्टमीटर में। अमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर किया जाता है। याद रखना होगा कि अमीटर को सदैव हम ऑलवेज कनेक्ट इन ए सीरीज ऑफ द सर्किट, सर्किट के सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। तो हाउ कैन वी चेंज द गैल्वेनोमीटर इन अमीटर, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। धारामापी को हिंदी में चलकुंडा धारामापी भी बोलते हैं, इसको हमें अमीटर में चेंज करना है। तो अमीटर क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है एक तरह से ये। तो हाउ कैन बी चेंज द अमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर? तो क्या करना होगा कि हमें जो गैल्वेनोमीटर दिया है उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हमें बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना होता है। इफ वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अमीटर। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो आपको दिया हुआ है उसके अगर पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, और स्मॉल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? वो संट कहलाता है। संट इज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो हमने गैल्वेनोमीटर लिया है, देख रहे हैं आप कि गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक संट दैट इज स्मॉल रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट किया है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अमीटर। इफ वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर देन दिस न्यू अरेंजमेंट इज कॉल्ड अमीटर। लेट अस सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल जी एंड इज लो रेजिस्टेंस और शंट एस कनेक्ट इन द पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। इफ आईजी इज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर एंड आई इज द टोटल करंट, ये टोटल करंट है मतलब कि रेंज है गैल्वेनोमीटर की। जिस गैल्वेनोमीटर की हमें क्या करना होता है, जितने एम्पियर का हमें गैल्वेनोमीटर बनाना होता है, एमीटर बनाना होता है, उस पर डिपेंड करता है संट की वैल्यू। संट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि उसकी जो रेंज आपको आप एमीटर बनाना चाहते हैं उसकी रेंज क्या है, वो कितना मेजरमेंट कर सकता है करंट का, उस पर डिपेंड करता है संट की वैल्यू। तो कह रहे हैं कि जो रेंज है गैल्वेनोमीटर की, वो अमीटर की, वो हम आई लेके चल रहे हैं। तो लेट अस सपोज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज आई, देन करंट इन द शंट इज आई माइनस आई जी, दैट इज क्लियर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर एंड शंट बोथ आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में जो क्या होता है वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज Vg एंड वोल्टेज अक्रॉस द शंट इज S, दैट इज Vs। पीछे पढ़ चुके हैं आप कि जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो करंट कैसी होती है? डिफरेंट होती है, परंतु जो PD होता है उन दोनों के बीच में वो सेम होता है। तो PD पोटेंशियल डिफरेंस across the galvanometer is Vg and potential difference across the shunt is Vs. We know V is equal to IR due to Ohm's law, then Vg is equal to Ig into G. Here G is the resistance of a galvanometer.
एंड वी वी एस दैट इज आई एस इंटू वी एस आई एस इंटू एस हेयर आई एस इज द करंट इन द संट बट और आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस द वैल्यू ऑफ आई एस इज आई माइनस आई आई माइनस आई जी इज द वैल्यू ऑफ करंट इन संट आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस हेयर और आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस और आई जी प्लस आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई एस After solution, we can find we find the value of S. Value of S is equal to IG upon I minus IG into capital G. That is the required formula. The value of shunt given by this formula. IG current in galvanometer, I minus IG current in shunt. This is the formula. Then total resistance of ammeter 1 upon R A resistance of ammeter both are connected in parallel then in parallel condition the total resistance given by 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 therefore 1 upon G प्लस वन अपॉन एस और वन अपॉन आर ए इज इक्वल टू जी एस और एस प्लस जी हैंस आर ए इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू एस जी अपॉन जी प्लस एस बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर तक The resistance of ideal ammeter, the resistance of ideal ammeter is zero. आदर्श जो ammeter होता है उसका जो resistance होता है वो zero होता है In this way we can change the galvanometer in the ammeter. Next topic, transformation of galvanometer into voltmeter. Transformation of galvanometer into voltmeter मतलब कि धारामापी को galvanometer को voltmeter में convert करना वोल्ट मीटर में बदलना वोल्ट मीटर को हम सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में पीडी निकालने का यूज करते हैं वोल्ट मीटर को सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच सदैव पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो फॉर दिस हम क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में चेंज करना चाहते हैं वोल्टमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस तो हाई रेजिस्टेंस को करना होगा तो हमें क्या करना होगा इसके लिए कि हमें हाई रेजिस्टेंस करना है तो उसके सीरीज में हम कोई एक हाई रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे मतलब कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है लेट अस सपोज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी ये गैल्वेनोमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी अब इसको मुझे चेंज करना है वोल्टमीटर में तो वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं इसके पैरेलल में सॉरी सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दूंगा ठीक है आर को कनेक्ट कर दिया इसमें अब हमने क्या लिया है सर्किट लिया है सर्किट में दो पॉइंट लिए हैं देखिए ये करंट आई आया इससे और यहां आई आपका चाहिए तो ये दो पॉइंट है ए और बी लेट द पॉइंट इन द सर्किट
लेट टू पॉइंट इन ए सर्किट ए एंड बी, देन पीडी बिटवीन देन इज वी। वीडी जो है वी है, करंट करंट इन गैल्वेनोमीटर इज आई जी। देखिए दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। दोबारा से समझ लें कि हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस करंट कर देंगे, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वोल्टमीटर। अब देखिए ये आर और जी बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज, देन पीडी अक्रॉस द आर एंड पीडी अक्रॉस द जी विल बी सेम, विल बी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे। यहां पर देखिए वी आर और ये, तो देखिए पीडी ले रहे हैं हम, लेट द पीडी अक्रॉस ए एंड बी इज वी, देन वी इज इक्वल टू, देन वी इज इक्वल टू आई आई जी, दैट इज आई जी करंट इसके अंदर है, आई जी और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर प्लस जी, तो जी प्लस आर, और वी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, और वी माइनस वी वी, देखिए हमें यहां से वैल्यू निकालनी है आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो वी माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई जी आर, देयर फोर आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो उसके सीरीज में जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, आर वी, टोटल रेजिस्टेंस इज वोल्टमीटर इज आर वी, बिकॉज आर एंड कैपिटल जी, आर हाई रेजिस्टेंस एंड कैपिटल जी जे रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज गिवन बाय जी प्लस आर। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो। इन दिस वे वी कैन चेंज द गैल्वेनोमीटर इन अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर चेंज इन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इस वीडियो के अंदर आपने ये दोनों चेंज देखे हैं कि आप कैसे, हाउ कैन यू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो दोबारा समझ लें, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो एक लो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ना होता है, और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर अमीटर में आता है तो अमीटर में जो क्या कहते हैं एस की वैल्यू है वो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी से हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस अगर हमें वोल्टमीटर बनाना है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, इससे हम उसका आर की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। ठीक,